महाराज दो कटिंग। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में लॉकी व्यूज में। और अभी बजे हैं दोपहर के 3, तो चाय पीने की वही तलब उठी है। तो ध्रुव ने बोला है चलिए घोड़ा चाय की दुकान पे चलते हैं, जो कि स्टेशन पर है और काफ़ी फेमस है इटावा में। तो चलिए घोड़ा पे चाय पे चलते हैं और स्टेशन के कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं, और इसके बाद थोड़ा टाइम है तो देखें कहीं और भी जा सकते हैं या नहीं। तो पहले चलते हैं घोड़ा चाय पर। हमारे सामने आ गया है ट्रैक और अब इसको पार करना मुश्किल होगा भाई, ओवर ब्रिज पर। हम थोड़ा स्लो चलेंगे, उस तरफ का रास्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। इस टाइम पे दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप चुभती है और एक तरीके से लगता है जैसे कि मई में चल रहे हो, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंडक हो जाती है। दूर हल्के हल्के बादल हैं कहीं पर। चलिए भाई स्पेस मिला है तो दौड़ा लेते हैं। और ये है इटावा का गुरुद्वारा। अब यहाँ पे किसी दिन कोई प्रोग्राम होगा तो गुरुद्वारे में भी चलेंगे और आपको गुरुद्वारा भी दिखाएंगे चलकर। मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो ये हम आ गए हैं स्टेशन पर और हमारे राइट हैंड पर मैं टर्न लेना है, स्टेशन पहुँच जाएंगे, वहीं पर है घोड़ा चाय। मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि जुकाम हो गया है। बहुत भीड़ है। अभी हम आ गए हैं घोड़ा चाय पे, चलिए घोड़ा चाय पीने चलते। दो कटिंग। चले गए और किसी घोड़ की नाल, हम उस युग के वासी हैं जहाँ तेल बचाना काल। लिखा पड़ी है नाम की तेरी, कल देना उधार, अभी भी बिछड़े वही मिले जहाँ चलता ये व्यापार। तो अभी है घोड़ा चाय की दुकान में जो कि स्टेशन पर है और अभी हम चल रहे हैं थोड़ा अंदर दुकान के, और दुकान में चल के ऑनर से बात करते हैं कैसे नाम घोड़ा इतनी पुरानी है। चलिए तो अभी आ गए हैं अंदर दुकान में और यहाँ पे ऑनर है अंदर। तो अंदर से सीन कुछ ऐसा है, बाहर से आप देख चुके हैं दुकान। ये इटावे का पहला होटल है, इटावा सिटी का, 1950 से ठीक। और स्टेशन बनी है 1954 में। ओके, मेरा जन्म है 1958, मैं इसी होटल में पैदा हुआ हूँ। कक्षा 2 से पास करके चाय बेच रहा हूँ, 20 पैसे की चाय मैंने बेची है यहाँ। आज के रेट में कितना है? आज 11 रुपए रेट है और 94 से ये मेरे पास आई है, पहले खाने का था, 94 से ये चाय की दुकान में तब्दील हो गई। ओके, पहले नाइट में बाहर चाय बेचती थी ठीक, तो वो हमने बेची है छोटे पे 20 पैसे चाय। 20 पैसे कक्षा 3 के बाद हम पढ़े नहीं, इसी होटल में है ठीक। नाम कैसे पड़ा इसका घोड़ा? घोड़ा चाय ऐसे पड़ा कि मेरी लागत जो है वो इस समय 10 रुपए से ऊपर है ठीक लागत।
ओके बेसिक प्राइस लागत, और ग्राहक से कहते हैं 11 रुपये दो, तो ग्राहक ही कहता है कि सामने 9 रुपये की है, 8 रुपये की है, 7 रुपये की है जी। और आप 11 क्यों ले रहे हैं, चाय एक सी है। तो हमने कहा इस चाय उस चाय में ये फ़र्क है कि वो चाय गले में लकीर बनाएगी और ये चाय गले में स्लिप मारती हुई जाएगी, तैरती हुई, क्योंकि इसमें प्योर दूध की चाय है। एक चाय में 10 ग्राम घी आया, 1 किलो में 8.5 चाय बनती है। अच्छा, आपके यहाँ पर और कढ़ी की तरह, जैसे घरों में कढ़ी बनती है धीमी आँच में 2 घंटे में, उसी तरह ये कढ़ी की तरह बनती है स्लो में। तो वो दूध सौंधिया जाता है धीमे धीमे प्योर दूध खोल के, तो उसकी लागत 10.25 रुपये है ठीक बस। और इसलिए इसका नाम लोगों को, अब लोगों से हम कहते हैं आपको गधे घोड़े का फ़र्क नहीं मालूम कि नहीं नहीं चाय एक सी, तब मैंने इसका नाम घोड़ा चाय रखा, क्योंकि इसकी लागत 10.25 रुपये है इस समय। औरों की जो चाय 8 रुपये वाली है उसकी लागत 4 रुपये है, उनको 4 रुपये मुनाफा हुआ, हमको 12 आने मुनाफा हुआ जी। तो चाय आपको पता चल गया होगा कि इस चाय का नाम घोड़ा चाय क्यों पड़ा और क्यों फेमस है। अच्छी, और हम आपको बताएं, इस भारत में 1975 में इमरजेंसी लगी थी जी, इंदिरा गांधी का पुतला इटावा कचहरी में हम ही ने फूका है, इंदिरा गांधी का पुतला इटावा कचहरी। उस समय हम नाबालिग थे, बालिग नहीं थे जी। तो पूरे ऑल इंडिया में हम स्वेच्छा से जेल गए हैं, सबसे ज़्यादा धाराएं हम पे हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे हम पे हैं। अगर मैं एक सवाल करूं जी कि पूरे भारत में इमरजेंसी का हीरो कौन है जी, तो बाकी जो लोग हैं जाय फर्नांडीज और हम जी, ये दोनों आदमी की रपट इंदिरा गांधी की टेबल पे रखी जाती थी हर 24 घंटे में। बकौल चन्ना रेड्डी जो यूपी के गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था, हमारी पिरवल के लिए 3 मिनिस्टर गए, लड़का नाबालिग है उसको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा इस लड़के की रपट 24 घंटे की इसकी और जार्ज की इंदिरा गांधी की टेबल पर रखी जाती है। पूरे भारत में एक ही पुतला फूका है, वो इस लड़के ने फूका है, और हमको अदालत नहीं ले गए हैं, जेल में जेल ले गए, जेल के बाद अदालत नहीं ले गए। मैंने इस बात की एक चिट्ठी भेजी CGM को मुकदमे में जेल के द्वारा कि मुझको अदालत नहीं ले जाया जाता है, मतलब मुझको कितना खतरनाक माना गया था, लेकिन मुझे पेंशन नहीं मिली। मेरी कोई कहने, पुराने कार्यकर्ता जो RSS के हैं उनकी कोई सुनने वाला कहने वाला कोई भी नहीं है। और मेरी वेबसाइट भी है, वो क्या है, www.ghoda.part2.in, उसमें part2.in, उसमें आपको पूरी डिटेल, मेरी किताबें मैंने 3 लिखी हैं राजनीति पे, वो भी उसी में पढ़ी है। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, राजनीति पे किताबें लिखी। तो आपने अंकल की कहानी सुनी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो चलिए आप चाय पीते हैं चल के। सदर है ज्यादा उसको मेरा सलाम, बरसों की ये प्रथा गजब है एक ही उसका नाम, ना ही रथ है ना महल है फिर भी है महाराज, बोलो फिर भी है महाराज, फिर भी है महाराज, बोलो महाराज दो कटिंग। शाम तलब है पल के भारी भारी सी, 2 मिनट का ब्रेक तो ले लूं मैनू नींद आ रही सी। पीने जा रहे हैं थोड़ा चाय, चलिए थोड़ा चाय की उसकी लेते हैं। बातों को अनसुना न करना, प्यास को तेरी बुझने न देना, कप प्लेट तो रोज मिलेगा, थोड़ा टक टक सुन तो लेना, जब भी आए यार चाय की 2 सीप तो मार ही लेना, 2 सीप तो मार ही लो, 2 सीप तो मार ही लो। तो दोस्तों चाय पी ली है और आप चलेंगे साईं मंदिर पर जो कि कचौरा रोड पर है, और साथ में आकाश है, तो आकाश भी साथ में चलेगा क्योंकि उसका ही वीडियो बनना है एक। चलिए कचौरा रोड पे चलते हैं। तो आज है गुरुवार और अब चल रहे हैं हम लोग साईं के मंदिर पे। तो चलिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है वो मंदिर, और अभी तक उस मंदिर का वीडियो शायद YouTube पे नहीं है। तो आकाश भी साथ में चल रहा है आगे, तो अगर आपने इसका चैनल नहीं देखा, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाता है,
और आपने इसका चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने सफारी के वीडियो नहीं बनाए हैं जबकि आकाश ने सफारी के वीडियो ही बनाए हैं। तो अगर आपको सफारी की वीडियो देखने हैं तो आप इसके चैनल पर जाएँ, विजिट करें जाके, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और साथ में मेरे चैनल को भी।